मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की सहायक संचालक और प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री प्रहलाद पटेल की सरकारी जनसंपर्क अधिकारी पूजा थापक ने मंगलवार की देर रात आत्महत्या कर ली। पूजा थापक मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में भी जनसंपर्क अधिकारी रह चुकी थीं। 30 वर्षीय पूजा थापक गोविंदपुरा थाना क्षेत्र के साकेत नगर में पति के साथ रह रही थीं। पूजा थापक मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की सहायक संचालक थीं और वर्तमान में मंत्री प्रहलाद पटेल की जनसंपर्क अधिकारी थीं। पूजा थापक ने 2 वर्ष पहले ही विवाह किया था। उनके पति भी मध्य प्रदेश सरकार के सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग में सहायक संचालक स्तर के अधिकारी हैं। गोविंदपुरा थाना प्रभारी ने बताया कि पूजा थापक ने आत्महत्या की है। उनके पति और अन्य लोग उन्हें एम्स अस्पताल लेकर पहुंचे। एम्स अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली थी कि पूजा थापक नामक एक नवविवाहिता ने आत्महत्या का प्रयास किया है। इलाज के दौरान पूजा थापक की बीती देर रात मौत हो गई। पूजा थापक का मायका इंदौर के पास है। नवविवाहिता का मामला होने के कारण मायके वालों को बयान देने के लिए बुलाया गया है। पुलिस ने साकेत नगर स्थित पूजा थापक के कमरे और निवास की तलाशी ली, लेकिन वहां से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने मोबाइल की भी जांच की है। वर्ष 2022 में दोनों ने शादी की थी और उनका 1 साल का बेटा भी है। पुलिस सूत्रों की माने तो पूजा थापक और उनके पति के बीच बीती देर रात साकेत नगर स्थित निवास पर विवाद हुआ था। विवाद के बाद पति एक कमरे में चले गए। दूसरे कमरे में पूजा थापक ने जाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की जानकारी उनके पति को बुधवार सुबह लगी। सूत्रों की माने तो दोनों के बीच पहले भी कई बार विवाद होते रहे। विभाग के अधिकारी और पड़ोसियों को भी दोनों के बीच विवाद की जानकारी थी। हालांकि बीती रात आखिर किस बात पर इतना विवाद हुआ कि एक नवविवाहित महिला अधिकारी ने फांसी लगा ली, पुलिस अब इसकी जाँच कर रही है।